आपको आज पता चला? सेबिया पेपरलेस केस जो है वो दोबारा से आपके उस पे काम किया जा रहा है। शहजाद अख्तर साहब कहते हैं ऑलमोस्ट भाई उनका चौधरी उनका क्या ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से? पीएमएलएन क्यों एक्सेप्ट करेगी? उसका तो सवाल ही नहीं है, ये इरेलेवेंट सवाल है। मैडम सेबिया पेपर में उसमें बता दें शहजाद अख्तर साहब कहते हैं काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका। देखिए मुझसे किसी ऐसे इंसान के बारे में सवाल कीजिए जिसकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी अपनी कोई कानूनी हैसियत हो। मुझसे ऐसे लोगों के बारे में सवाल ना किया करें कि जिसका कोई सच्चाई से या किसी क्रेडिबिलिटी से दूर दूर का ताल्लुक ना हो। शहबाज शरीफ साहब का इशारिया जो था वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए था और उन्होंने जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन है उसको दावत दी हुई थी, और जब शहबाज साहब मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह पे जरूरी नहीं है। शुक्रिया, उसका इशू ना बनाया जाए। थैंक यू। आपको आज पता चला? सेबिया पेपरलेस केस जो है वो दोबारा से आपके उस पे काम किया जा रहा है। शहजाद अख्तर साहब कहते हैं ऑलमोस्ट भाई उनका चौधरी उनका क्या ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से? पीएमएलएन क्यों एक्सेप्ट करेगी? उसका तो सवाल ही नहीं है, ये इरेलेवेंट सवाल है। मैडम सेबिया पेपर में उसमें बता दें शहजाद अख्तर साहब कहते हैं काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका। देखिए मुझसे किसी ऐसे इंसान के बारे में सवाल कीजिए जिसकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी अपनी कोई कानूनी हैसियत हो। मुझसे ऐसे लोगों के बारे में सवाल ना किया करें कि जिसका कोई सच्चाई से या किसी क्रेडिबिलिटी से दूर दूर का ताल्लुक ना हो। शहबाज शरीफ साहब का इशारिया जो था वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए था और उन्होंने जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन है उसको दावत दी हुई थी, और जब शहबाज साहब मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह पे जरूरी नहीं है। शुक्रिया, उसका इशू ना बनाया जाए। थैंक यू।